गाइस, कुछ दिन पहले ही गैलेक्सी M33 5G की बैटरी कैपेसिटी को लेकर डिटेल्स कंफर्म हुई थी और अब इस स्मार्टफोन को गीकबेंच पर भी स्पॉट कर दिया गया है, जहां पर से इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर, रैम और ओएस को लेकर डिटेल्स कंफर्म हो चुकी है। वेल, ये स्मार्टफोन गैलेक्सी M32 का सक्सेसर होने वाला है, जो कि इस बार इंडिया में 5G कनेक्टिविटी के साथ में लॉन्च होगा। तो गाइज, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन की अब तक सामने आई सभी डिटेल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ गाइज ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसी कमाल की टेक वीडियोस मिलती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो गीकबेंच पर जो स्कोर निकलकर सामने आया वो है सिंगल कोर का 726 और मल्टी कोर का है 1830, जो कि मीडियाटेक डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर को एग्जिस्ट करता है और ये प्रोसेसर 7 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बना हुआ 5G चिपसेट है। तो काफ़ी पावर एफिशिएंट होने वाला है, क्योंकि जितना कम नैनोमीटर वाला प्रोसेसर होगा उतना ही कम स्मार्टफोन का पावर कंजप्शन होगा। और इस चिपसेट का जो एंटीटू स्कोर है वो भी 6 लाख से ऊपर है, तो स्कोर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो परफॉर्मेंस है वो भी इस स्मार्टफोन के हमें काफ़ी कमाल की देखने को मिल जाएगी। तो परफॉर्मेंस को लेकर गाइस, आपको गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। वहीं इस स्मार्टफोन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ में 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगी होगी, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और इस बार ये चार्जर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, तो बैटरी बैकअप भी आपको इस स्मार्टफोन का काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है। कैमरे सेक्शन की बात करें तो गाइज, इस स्मार्टफोन के रियर में 64 MP प्राइमरी कैमरे के साथ में क्वाड कैमरा सेटअप लगा होगा। बाकी की जो 3 कैमरे हैं वो 8+5+2 MP के हो सकते हैं। और सेल्फी के लिए आपको इस स्मार्टफोन में 20 MP का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जो कि इन्फिनिटी वी कट डिजाइन वाली डिस्प्ले के साथ में लगा होगा। तो कैमरा क्वालिटी भी इस बार आपको थोड़ी बेटर देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन। वहीं प्रोसेसर, बैटरी और कैमराज के बाद में बात की जाए इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो गाइज, इस स्मार्टफोन के फ्रंट में 6.5 इंच की 1080p रेजोल्यूशन वाली LCD डिस्प्ले होगी, जो कि स्टैंडर्ड 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आएगी। अगर गाइज सैमसंग इस स्मार्टफोन में हाई रिफ्रेश रेट को ऑफर करता है, तो जो डिस्प्ले है वो हमें थोड़ी और बेटर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गाइज, आपको इस स्मार्टफोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, सैमसंग की नॉक सिक्योरिटी, टाइप सी पोर्ट चार्जिंग के लिए और ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन आएगा एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि बेस्ड होगा सैमसंग के UI 4.0 पर। तो इस बार का इस गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन का सक्सेसर यानी कि गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स के साथ में इंडिया में लॉन्च होने वाला है। और इस स्मार्टफोन का जो लॉन्च है वो हमें मार्च एंड तक देखने को मिल सकता है, जहां पर इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट की प्राइस हमें 22,000 से 25,000 रुपये के बीच में देखने को मिल सकती है। बाकी गाइस, जैसे ही कोई भी कंफर्म डिटेल्स निकल कर सामने आती है इस स्मार्टफोन के लॉन्च को लेकर, वो मैं आप तक जो है जरूर अपडेट कर दूंगा। बाकी गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन गैलेक्सी M33 5G स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों, बस आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।